नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कृषि विकास अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक टिलेज को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। टिलेज होता क्या है? टिलेज फिजिकल मैनिपुलेशन है सोयल की। यह क्या करती है? सोयल की कम्पैक्टनेस को तोड़ती है, और जब कॉम्पैक्टनेस को तोड़ेगी तो दो फायदे होंगे। एक तो ये रूट पेनिट्रेशन में हेल्प करेगी, दूसरा वाटर और न्यूट्रेंट के एब्जॉर्प्शन में प्लांट की हेल्प करेगी। टिलेज एक एंग्लो सैक्सन वर्ड है, क्लास में पढ़ा था जूथ्रोटूल नाम को। ये जैथ्रोटूल है कौन? ये टिलेज का या एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है जिसने टिलेज टर्म को कोइन किया था। इसको फादर ऑफ टिलेज भी कहते हैं। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। तो तीन बड़े क्वेश्चन का आंसर एक ही है, जैथ्रोटूल। अब जो टिलेज आई, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? ये एक सूटेबल सीड बेड तैयार करती है, सोयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, इफेक्टिव कंट्रोल करती है वीड का, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज उनके ब्रीडिंग प्लेसेस को ख़त्म करती है, रिमूवल ऑफ हार्ड पान कम्पैक्टनेस को कम करती है और सोयल की डेप्थ को इंक्रीज करती है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे मिक्सिंग हो जाएगी मैन्योर्स की, फर्टिलाइजर की, रेजिड्यू की। और क्या होगा इससे? जब इतनी चीज़ें इसके साथ इनकॉर्पोरेट होगी तो जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है सोयल इरोजन की, वो भी डिक्रीज हो जाएगी टिलेज प्रैक्टिस करने से। अब टिलेज की बात करें तो टिलेज दो प्रकार की होती है, एक ऑन सीजन, एक ऑफ सीजन। ऑन सीजन का मतलब जब सीजन ऑन होता है, यानी हम किसी फसल को बोने की तैयारी करते हैं, सोयल को मैनिपुलेट करते हैं, वो क्या कहलाती है? ऑन सीजन टिलेज। और दूसरी ऑफ सीजन टिलेज कब होगी? जब फसल कट चुकी होती है, उस टाइम की जो टिलेज होती है, जब कोई क्रॉप हमें नहीं लेनी होती, हम रेजिड्यू को मेंटेन करने के लिए, वाटर को एब्जॉर्ब स्टोर करने के लिए। अब जब ऑन सीजन टिलेज को हम पढ़ते हैं तो ये दो भागों में इसका अध्ययन करते हैं, प्रिपरेटरी टिलेज, एक आफ्टर कल्टीवेशन। अब प्रिपरेटरी टिलेज क्या होगी? डीप ओपनिंग करेगी सोयल की, लूज करेगी सोयल की, जब फसल की हार्वेस्टिंग के बाद। जब फसल की हार्वेस्टिंग के बाद सोयल क्या होगी? कॉम्पैक्ट होगी ज़्यादा, और कॉम्पैक्ट सोयल को तोड़ने के लिए हमें हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। तो प्राइमरी टिलेज उस टिलेज को कहते हैं जिसमें क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद हम प्लोइंग करते हैं। यह सबसे मेजर ऑपरेशन होता है फील्ड की प्रिपरेशन का। इसमें जो प्लो यूज होते हैं वो हैवी प्लोज होते हैं, और हैवी मशीनरी की हमें जरूरत पड़ती है। अगर कोई एग्जाम्पल पूछे कि कौन कौन से इंप्लीमेंट्स यूज होते हैं प्राइमरी टिलेज में, तो इसका पहला आंसर है माउल्ड बोर्ड प्लो, चीजल प्लो, डिस्क प्लो। अब ये हैवी मशीन है, इनको रन करने के लिए बहुत ज्यादा बड़े ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो ये बड़े बड़े सोयल के क्लोड्स को तोड़ेगी। अब उसके बाद आती है सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज कब आएगी? आफ्टर प्राइमरी टिलेज। जब प्राइमरी टिलेज खत्म हो जाएगी तब सेकेंडरी टिलेज का काम शुरू होता है। अब इस सेकेंडरी टिलेज से क्या होता है? गुड सीड बेड तैयार होता है। उस गुड सीड बेड जो तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? गुड टिल्थ भी कहते हैं। तो दो चीज आई, टिलेज किसे कहते हैं और टिल्थ किसे कहते हैं। जो फिजिकल मैनिपुलेशन होगी सोयल की वो क्या कहलाती है? टिलेज कहलाती है। और रिजल्ट ऑफ फिजिकल मैनिपुलेशन आएगा वो क्या कहलाती है? टिल्थ कहलाती है। अब दूसरा सेकेंडरी में क्या करेगा? प्राइमरी में हैवी मशीन यूज होगी तो हैवी क्लोड्स आएंगे उसमें, तो सेकेंडरी टिलेज उन ब्रेक करेगी उन क्लोड्स को। तो उन क्लोड्स को तोड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो इंप्लीमेंट्स होंगे, वो लाइटर होंगे, जैसे हैरो, जैसे कल्टीवेटर, जैसे क्लोड क्रशर। उसके बाद आती है लेआउट ऑफ सीड बेड। जब हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज खत्म हो जाती है तब जो सीड बेड तैयार करने के लिए प्रक्रिया की जाती है उसको कहते हैं सीड बेड लेआउट। इसमें क्या आती है? मेजरली लेवलिंग और मार्किंग आती है, ताकि प्लांट में रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सके। अब क्वेश्चन आता है ये रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्यों मेंटेन किया जाता है? इसलिए कि इंटर प्लांट और इंट्रा प्लांट कंपटीशन कम हो, इसलिए सीड बेड के लेआउट की जरूरत हमें पड़ती है। उसके बाद आता है आफ्टर कल्टीवेशन। आफ्टर कल्टीवेशन का क्या हुआ? इसको हम दूसरे शब्दों में इंटर कल्टीवेशन भी कहते हैं, इंटर टिलेज भी कहते हैं। इंटर का मतलब बीच में, टिलेज का मतलब फिजिकल मैनिपुलेशन। तो इंटर कल्टीवेशन कब होगी? तब सोइंग हो चुकी होगी या प्लांटिंग हो चुकी होगी। उसके बाद हार्वेस्टिंग तक जो जो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करती हैं या की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज कहते हैं या इंटर टिलेज कहते हैं।
अब एक बात तो आप समझने की है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और सीड बेड लेआउट कब होता है, यह सीड सोइंग से पहले होता है और आफ्टर कल्टीवेशन सीड सोइंग के बाद होता है। स्पेशल पर्पज टिलेज, अब स्पेशल पर्पज टिलेज का आंसर अगर आता है तो ये कौन सी होगी, स्पेसिफिक पर्पज जिसे सोल होता हो वो क्या कहलाती है, स्पेशल पर्पज टिलेज कहलाती है। इसमें पहला आता है सब सोइलिंग। सब सोइलिंग का मतलब सोयल को इन्वर्ट करना, नीचे की सोयल को ऊपर ले करना। तो ये कहाँ दिक्कत आती है, जहाँ सोयल में क्ले कॉन्टेंट जाता हो, जहाँ कम्पेक्शन ज्यादा बनता हो, जहाँ बुल्क डेंसिटी ज्यादा बनती हो। इसका मतलब अगर इसका उल्टा क्वेश्चन करें तो जहाँ बुल्क डेंसिटी ज्यादा हो या कम्पेक्शन ज्यादा हो वहाँ क्या करेंगे, सब सोयलिंग करेंगे। और ये ऐसी सोयल्स में जहाँ ये तीनों दिक्कत आती हैं वहाँ पर 4 से 5 साल के बीच में एक बार हमें सब सोइलिंग करने की जरूरत पड़ती है ताकि सोयल इन्वर्ट हो। इसका फायदा क्या होता है ऐसी सोयल्स में, पहला फायदा ये होता है एक्सेस जो वाटर होता है वो नीचे डीप परकोलेट कर जाता है। दूसरा, जो सोयल की वाटर टेबल है वो परमानेंट वाटर टेबल वो रिचार्ज हो जाती है। फिर उसके बाद आता है क्लीन टिलेज। क्लीन का मतलब जैसे नाम से हमें पता चलता है बिल्कुल साफ, तो पूरा का पूरा एंटायर फील्ड जिसमें क्लीन कर देते हैं, ये कब करते हैं, जब हमें सोयल में बोर्न डिजीज को, इंसेक्ट को, पेस्ट को ख़त्म करना हो, ऐसी स्थिति में हम क्लीन टिलेज करते हैं। उसमें किसी भी प्लांट को हम जिंदा नहीं छोड़ते, उसको डेड करने की कोशिश करते हैं। फिर आते ब्लाइंड टिलेज। तो क्वेश्चन आ जाए वो कौन सी टिलेज है जिसको ब्लाइंड टिलेज कहते हैं और कब होती है, तो ये प्री इमरजेंस कंडीशंस में होती है। परी इमरजेंस का मतलब सोयल में हमने सीड तो सोइंग कर दी लेकिन वो सोयल से बाहर नहीं आए, उस टाइम जो टिलेज करते हैं उसको हम ब्लाइंड टिलेज कहते हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं, एग्जांपल सुगर केन। सुगर केन में क्या होता है, जब हम प्लांटिंग कर देते हैं उसके इमर्ज होने में टाइम लगता है, उस टाइम हम किसी भी इम्प्लीमेंट से कम्प्लीटली ऊपर का सोयल का एरिया क्रश कर देते हैं, कल्टीवेट कर देते हैं, वो भी क्या कहलाती है, ब्लाइंड टिलेज कहलाती है। अब आती है ड्राई टिलेज। ड्राई टिलेज कहाँ स्पेसिफिक होती है, जहाँ पर 21 से 25% तक मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो एक आंसर तो ये हुआ, दूसरा क्या होगा, वो ड्राई टिलेज कहाँ करते हैं, जहाँ हमें क्रॉप ड्राई लैंड में सोइंग करनी हो, यानी वाटर की स्कैरसिटी में हमें सोइंग करनी हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्राई टिलेज करते हैं। उसके बाद आती है वेट पडलिंग। ये हमने धान के खेत में, राइस के खेत में देखा है, जब उस पर इंटरकल्टिवेशन करते हैं, जब सोयल की तैयारी करते हैं, तो उससे क्या होगी, एक इम्परवियस लेयर बनेगी जिसके जो क्या करेगी, वाटर के डीप परकुलेशन को रोक देगी। अब वो क्या फ़ायदा होता है उसका, कि वाटर स्टैग्नेंट रहता है, वाटर का लीचिंग लॉस नहीं होता। और इन सभी आधार पे हम सोयल के डेप्थ के आधार पर टिलेज को दो बड़े भागों में बांट सकते हैं, जिसको डेप्थ ऑफ टिलेज कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि सेलो रूटेड क्रॉप्स के लिए डेप्थ ऑफ टिलेज कितनी होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर, और डीप टिलेज के लिए डेप्थ कितनी होती है, 15 से अबव 30 सेंटीमीटर तक चली जाती है, उसको क्या कहते हैं, डीप टिलेज कहते हैं। और दूसरा, ये जब टिलेज करते हैं तो जर्नल क्रॉप ग्रोन करने के लिए कितना मॉइस्चर होना चाहिए, तो 60% मॉइस्चर सोयल में सबसे उत्तम अवस्था होती है जब किसी क्रॉप की सोइंग करते हैं। तो इससे हमारे 7-8 क्वेश्चन सॉल्व हुए स्लाइड से। मॉडर्नाइजेशन इन टिलेज, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी टिलेज की नई पद्धतियों को इवोल्व करने की, क्योंकि लगातार कॉन्टिन्यूसली हैवी मशीनरी जब सोयल के ऊपर चलती रही तो सोयल में कम्पेक्शन, जिसको मैकेनिकल इम्पीडेंस भी कहते हैं, उसकी दिक्कतें आने लगी। तो ये नई टर्म या नई प्रोसेस इवोल्व हुई जिसको हम मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, स्टबल मल्च, कंजर्वेशन टिलेज या अलग अलग नामों से जानते हैं। अब ये अलग अलग नाम करते क्या हैं, तो सबसे पहला आता है जो सबसे ओल्डेस्ट है, मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज में क्या होता है कि टिलेज प्रैक्टिस को, प्राइमरी को, सेकेंडरी टर्सरी को रिड्यूस किया जाता है, बस ये इंश्योर किया जाता है कि गुड जर्मिनेशन रहे। अब ये 3 तरीके से होती है। प्लो प्लांट, प्लो प्लांट का मतलब प्राइमरी टिलेज करते हैं, उसके बाद स्पेशल प्लांटर से हम सीड की सोइंग करते हैं, यानी हमने सेकेंडरी प्लोइंग नहीं की, वो क्या हुई, प्लो प्लांट टिलेज। रो जोन टिलेज क्या होती है, प्राइमरी करते हैं टिलेज
उस सेकेंडरी को रूट जोन तक, रो जोन तक ही हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और उसके बाद सीड सोइंग करते हैं, तो वो क्या हुई, रो जोन टिलेज। और थर्ड है व्हील ट्रैक टिलेज, इसमें क्या होगा, जो ट्रैक्टर चलेगा वही पल्वराइज करेगा सोयल के सरफेस को। पल्वराइज का मतलब फाइन पार्टिकल्स में तोड़ेगा और उसी तोड़ी हुई जगह से रो जाएगी प्लांटिंग मटेरियल की, तो इससे क्या होगा, वहीं पर सोइंग होगी। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और लेआउट ऑफ सेड बेड भी मिनिमम हो जाता है, तो इसलिए इसको मिनिमम टिलेज भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी टिलेज है जिसमें प्राइमरी टिलेज होती है, तो उसका आंसर आएगा मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज नेक्स्ट। तो जीरो टिलेज का पहला आंसर, अगर आए आपके पास क्वेश्चन कि क्या प्राइमरी टिलेज होगी, तो आंसर आएगा जीरो टिलेज में नहीं होगी, केवल मिनिमम टिलेज में होगी। जीरो टिलेज का मतलब क्या होगा, जो सोइंग और प्लांटिंग होगी, चाहे तो सीड लगाएं या किसी कोई वेजिटेटिव मटेरियल लगाएं, जब प्लांटिंग करेंगे वो प्रीवियस सोयल के रेजिडू के साथ करेंगे। और दूसरा क्या होगा, विदाउट सीड बेड प्रिपरेशन। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी टिलेज प्रैक्टिस में होमोजेनियस सोयल मिलती है, होमोजेनियस सोयल, तो एग्जाम उसका आंसर आएगा जीरो टिलेज। फिर आता है किसके अंदर हाईएस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी होती है, आंसर आएगा जीरो टिलेज। और किस में रन ऑफ को रोकने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं, जीरो टिलेज। उसके बाद आती है स्टबल टिलेज। अब स्टबल टिलेज क्या होती है, जो प्रीवियस क्रॉप का, पहले वाली फसलों का जो स्टबल होता है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्वेश्चन आए कितनी डेप्थ पे, तो 12 से 15 सेंटीमीटर की डेप्थ में, डीप कट में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। जब हर थोड़ी थोड़ी दूर बाद 12 से 15 सेंटीमीटर का कट होगा तो ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट इसमें काम नहीं करेगा, तो स्पेशल प्लांटर की ज़रूरत पड़ेगी। आए क्वेश्चन कि स्पेशल प्लांटर की ज़रूरत किस पड़ती है, किस में, तो आएगा स्टेबल में और मिनिमम में, इनमें से कोई सा भी आए, एक पे आप टिक करना, आंसर सही रहेगा। फिर आती है कंजर्वेशन टिलेज। अब कंजर्वेशन टिलेज का मेन काम क्या है, कि जैसा नाम कहता है वैसा ही कंजर्वेशन का काम करता है। तो क्या क्या कंजर्वेशन होती है, इससे दो ही चीज़ कंजर्व करनी है, एक सोयल एक मॉइस्चर, और ये दोनों काम कंजर्वेशन टिलेज का मुख्य ऑब्जेक्टिव है। फिर आती है स्ट्रिप टिलेज। स्ट्रिप का मतलब होता है पूरे खेत में से कुछ हिस्सा, ये हमारे पास पूरा खेत है, इसमें से कुछ हिस्सों में हम स्ट्रिप्स में काम करेंगे, तो ये यहाँ जो मैकेनिकल इम्पीडेंस को तोड़ने के लिए काम करेंगे, रेजिडू को इनकॉर्पोरेट करने का काम करेंगे या सोइंग का काम करेंगे, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिप टिलेज कहते हैं। आंसर आए आइसोलेटेड बैंड किस में बनते हैं, तो आंसर आएगा स्ट्रिप टिलेज में। फिर है रोटेटरी टिलेज। रोटरी टिलेज में क्या होता है, यानी कोई चीज़ रोटेशन में चलती है, टायर के जैसे, व्हील के जैसे, तो जब ये काटती हुई चलेगी तो ये तीन बड़े काम करेगी, जिसको हम आज के दिन रोटावेटर के नाम से जानते हैं। कट करेगी सोयल को, कट करने के बाद ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद मिक्स करेंगी, यानी कि तीन ऑपरेशन एक साथ करेगी, उसे रोटरी टिलेज कहते हैं। फिर है कंबाइंड टिलेज। कंबाइंड टिलेज हर उस टिलेज को कहते हैं जिसमें दो या उससे ज़्यादा टिलेज ऑपरेशन एक साथ एक ही समय में एक ही ज़मीन पर हो, तो उसे क्या कहते हैं, कंबाइंड टिलेज कहते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं कि किसी इम्प्लीमेंट का, औजार का नाम आता है और ये पूछते हैं ये है क्या, तो ये टूल है, इम्प्लीमेंट है या मशीन है, तो टूल वो होगी जो इंडिविजुअल वर्किंग एलिमेंट होगा, यानी एक काम करता होगा इंडिविजुअल, वो क्या कहलाएगा, वो टूल कहलाता है। इम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा, ऐसा इक्विपमेंट जिसके मूविंग पार्ट्स ना हो, जैसे हरो है, स्पाइक टूथ हरो है, प्लो है, कंट्री प्लो है, ये एनिमल इसको खींचता है इस प्लो को, ये क्या कहलाते हैं, इम्प्लीमेंट कहलाते हैं। और मशीन किसे कहते हैं, जो रिजिड और रेजिस्टेंट बॉडी पे रहे और उसके अंदर मूविंग पार्ट्स भी हों और वो कैपेबल हो बहुत सारे काम करने के लिए और बहुत ज़्यादा काम बहुत कम समय में करती हो, उसे क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। इम्प्लीमेंट्स फॉर प्राइमरी टिलेज। इस स्लाइड से भी बहुत से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो प्राइमरी टिलेज का काम आता है, पूछते हैं क्या क्या करती है, ये कट करती है, ये ब्रेक करेगी और ये इन्वर्ट करेगी सोयल को पार्सली या कम्प्लीटली।
तो ये क्वेश्चन आए कि कहाँ पार्शली और इनकम्प्लीटली सोयल का इन्वर्जन होता है, तो आंसर आएगा प्राइमरी टिलेज में। अब प्राइमरी टिलेज के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का इम्प्लीमेंट्स का नाम होगा, उनमें से जो प्राइमरी में आते हैं वो ये पांच मुख्य हैं। अब आपको इनके थोड़े थोड़े बारे में हम डिस्कस करते हैं। कंट्री प्लो या इंडिजिनियस प्लो, हम सब ने ऐसा प्लो देखा होगा फील्ड में, जिसमें किसान या पिक्चर्स में किसान हल लेके चलता है, इसको क्या कहते हैं? कंट्री प्लो कहते हैं। इसमें एक शेयर होती है जो ज़मीन को खोदती है, इसकी बॉडी होती है जिसके साथ ये बीम अटैच होती है, इसका एक हैंडल होता है जिससे वो इसके चलने की दिशा को निर्धारित करता है किसान। उसके बाद आता है एमबी प्लो। एमबी प्लो का बड़ा काम है कि ये कट करता है सोयल को, ये एमबी प्लो की पिक्चर है। इसके चार हिस्से मेन है, चारों हिस्सों का अलग अलग काम है। जो नीचे का हिस्सा है ये क्या करेगा, कट करेगा फर्रोसलाइस को, ज़मीन को काटेगा। ज़मीन को काटने के बाद ये ऊपर आएगा, लिफ्ट करेगा इससे। लिफ्ट करने के बाद जो ये हिस्से हैं इसको ये पल्वराइज करेंगे, और ये दूसरा क्या करेगा, टर्न करके दूसरी साइड डालेगा इसको। तो मोल्ड ब्रॉड प्लो के चार काम होते हैं, कटिंग, लिफ्टिंग, पल्वराइजिंग और टर्निंग। तो ये चार काम करता है मोल्ड ब्रॉड प्लो। उसके बाद आता है डिस्क प्लो। अब डिस्क प्लो भी क्या काम करता है, सोयल को इसकी तरह से एमबी प्लो की तरह से काटता है। ये काटता भी है, टर्न भी करता है और उसके स्लाइस में उसको तोड़ता भी है। ये वर्क करता है एमबी से ज़्यादा एफिशिएंटली, लेकिन इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि जहाँ पर रेजिडू हो या वीड ज़्यादा हो वहाँ पर ये डिस्क प्लो काम नहीं करता, वहाँ एमबी प्लो ही काम करता है। तो क्वेश्चन आए आपके पास कि रेजिडू को इनकॉर्पोरेट करना हो, थ्रेस हो, वीड हो, तो कौन सा प्लो इफेक्टिव काम करता है, तो एग्जाम्पल आएगा उसका एमबी प्लो। अगर ऐसा आए कि सोयल ड्राई है तब कौन सा काम करेगा, डिस्क प्लो। तो इससे हमारे दो क्वेश्चन सोल्व होते हैं अगर हमने इसके बारे में पढ़ा है तो। अब इन दोनों में एक डिफरेंस और है, कहीं आ जाए कौन सा प्लो अपने वजन से ज़मीन की डेप्थ में जाता है, तो आंसर आएगा डिस्क प्लो। और कौन सा प्लो ज़मीन को खोदने के लिए ट्रैक्टर की खिंचाई पर कंट्रोल होता है, तो वो आएगा एमबी प्लो। उसके बाद आता है चीजल प्लो। चीजल प्लो क्या करेगा, सोयल की कम्पैक्टनेस को तोड़ेगा। ये दो तरह के प्लो हमारे पास, ये एनिमल ड्रोन है, ये ट्रैक्टर ड्रोन है। तो चीजल प्लो जितनी सोयल की कम्पैक्शन होगा उसको बहुत नीचे तक तोड़ता है। इसका मतलब ये हैवी एनर्जी की रिक्वायर करते हैं दोनों के दोनों, चाहे एनिमल की हो या ट्रैक्टर की हो। उसके बाद एक आता है सब सोयलर। सब का मतलब ज़मीन के नीचे वाली जो परत होती है उसको उखाड़ने के लिए, वो भी सेम ऐसा ही प्लो होता है चीजल प्लो की तरह। उसमें फ़र्क क्या होता है, वो मैकेनिकल इम्पीडेंस को तोड़ता है, तो उसकी ये सेयर्स होती हैं बहुत डीपर तक चली जाती हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर पलट देती हैं। तो मैकेनिकल इम्पीडेंस को ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा डेप्थ किस में आती है, सब सोयल प्लो में आती है। और इसकी डेप्थ कितनी चली जाती है, 45 से 75 सेंटीमीटर तक चली जाती है। इसलिए इसको चलाने के लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। कैनरी टिलेज के इम्प्लीमेंट्स, जो प्राइमरी टिलेज के जो प्लो थे उन्होंने जो बड़े बड़े क्लोड्स छोड़ दिए उनको फाइन करने के लिए, उनकी टिल्थ को इंक्रीज करने के लिए सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये लाइटर होते हैं। पहला हरो, हम सब ने देखा है, ये हैरो डिस्क वाली भी हो सकती है, स्पाइक टूथ की भी हो सकती है, स्प्रिंग हैरो भी हो सकती है, रोटेटरी क्रॉस हैरो भी हो सकती है, और ब्लेड हैरो भी हो सकती है। तो जैसी जैसी सोयल की रिक्वायरमेंट होगी वैसी वैसी हैरोज यूज होती हैं। फिर होती है डिस्क हैरो। डिस्क हैरो दो तरह की होती है, एक मोनो फिटेड, एक डबल फिटेड। ये हमने दोनों तरह की हैरोज ट्रैक्टर के पीछे देखी होंगी। अब आती है पटेला। ये नीचे का जो फिगर हमारे पास, ये पटेला की है। इसमें ये स्पाइक टूथ क्या करेंगे, जब कैंडी टिलेज होगी तो तब ये जो वीड्स रह जाती हैं या जो स्टबल रह जाता है जो आगे जाकर सीड बेड के प्रिपरेशन में दिक्कत करेगा, उसको ये एक साइड खेत के ले के चली जाती हैं, और जो ऊपर ये वुडन फ्रेम है ये उसको लेवल करता हुआ चला जाता है। तो इससे लेवलिंग भी होती है फील्ड की, और इससे वीड्स भी दूर हट जाती हैं, रेजिड्यू भी दूर चला जाता है, ताकि सोइंग में कोई दिक्कत ना आए। फिर होती है लेवलर्स। लेवलर्स में बस ये स्पाइक टूथ नहीं होते, ऐसा ही वुडन फ्रेम होता है, और उसको एनिमल ड्रोन या ट्रैक्टर ड्रोन होता है जो
ज़मीन को समतल रखता है। समतल रखने के फायदे क्या हैं? एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, दूसरा वाटर का फ्लो होता है वो कम टाइम में ज़्यादा एरिया कवर कर जाता है, क्योंकि अगर टोपोग्राफी अनइवन होगी तो कहीं पानी ज़्यादा लगेगा कहीं कम लगेगा, और इससे क्या होगा, अनइवन वाटर का फ्लो होगा और ज़्यादा पानी की कंजप्शन होगी। तो लेवलर का सबसे अच्छा काम पहला तो वाटर की सेविंग, दूसरा सीड की सेविंग, थर्ड इवन जर्मिनेशन, यानी एक तरह का ज़मीन का लेवल है तो एक ही डेप्थ पे सीड की सोइंग होगी और एक जैसी इमरजेंस होगी। इंटरकल्टीवेशन वीडर्स, इंटरकल्टीवेशन का मतलब फसल बोने के बाद में, इंटर का मतलब बीच में। ड्राई लैंड वीडर, ड्राई लैंड वीडर्स क्या करते हैं, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो वीड्स को खोदता हुआ चला जाता है, और जब इससे खोदते हैं हम तो ये ड्राई एरिया में इसका मेन काम रहता है। तो इससे पहला तो ये होता है कि कैपिलरी एक्शन की जो ट्यूब्स होती हैं वो टूट जाती हैं, तो वाटर का इवेपोरेशन लॉस कम हो जाता है, वीड का कंपटीशन कम हो जाता है। तो ये ड्राई लैंड वीडर के फायदे हैं। कोनो वीडर क्या होता है, कोनो वीडर इस तरह के टूल होगा जिसके ऊपर ऐसे स्पाइक टूथ लगे रहेंगे, तो जब इसको हम रन करेंगे तो ये स्पाइक टूथ चलेगा और ये इसके साथ जो भी वीड आएगी उनको काटता हुआ चला जाएगा और ज़मीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा। तो कोनो वीडर, आज कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा वीडर है जो वीड को उखाड़ता भी है और इनकॉर्पोरेट भी करता है, तो उसका आंसर होगा कोनो वीडर। इंजन ऑपरेटेड वीडर जो होते हैं, जो इंजन से रन होते हैं, वो रो स्पेसिंग जहाँ फाइन होती है, दूर दूर होती है, वहाँ ये काम करते हैं। तो इसका अगर क्वेश्चन में आंसर आ जाए तो इंजन ऑपरेटेड वीडर कहाँ चलते हैं, तो इसका आंसर आएगा 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा रो टू रो डिस्टेंस हो वहाँ ये इंजन ऑपरेटेड वीडर चलते हैं। और ये एक दिन में कितना एरिया कवर कर लेते हैं, 0.75 हेक्टेयर पर डे का एरिया ये वेडिंग में कर लेते हैं कवर। ड्राई लैंड वीडर जो हमने लिया था, जो ड्राई एरियाज में करते हैं, वो 0.05 हेक्टेयर ही, 0.05 हेक्टेयर पर डे तक का ही एरिया कवर कर पाता है। सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करती है वो स्वीप हीरो, ये स्वीप वीडर या हैरो, ये क्या काम करती है, ये सेलो रूट्स को, जो सेलो रूट वाली क्रॉप होती है, सॉरी वीड होती हैं, उनको वो हटाती है और एक दिन में 1.75 से लेकर 2.5 यानी 2.5 हेक्टेयर पर डे तक की ये वीडिंग का कार्य कर सकती है। अब टिलेज में हम कुछ ऐसे 2-3 टर्म्स की बात करेंगे जो क्वेश्चन जिन पे बार बार आते हैं, क्वेश्चन कई बार आते हैं, फर्रो किसे कहते हैं, जो ट्रेंच बनती है किसी इम्प्लीमेंट के चलने के बाद उसको हम फर्रो के नाम से जानते हैं। ये हमारा फील्ड है और इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट चलता है, टूल चलता है, तो ये जो डेप्थ होगी इसको क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं या फर्रो कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि फर्रो स्लाइस किसे कहते हैं, फर्रो स्लाइस क्या होगी, जो सोयल का मास कटेगा, जब ये सोयल यहाँ से डेप्थ में जाएगी तो सोयल ऊपर भी लिफ्ट होगी और ऊपर लिफ्ट होने के बाद एक साइड में गिरती भी है, इसे क्या कहते हैं, फर्रो स्लाइस कहते हैं, यानी मास ऑफ सोयल कट लिफ्ट एंड थ्रोन ऑन वन साइड इज नोन एज फर्रो स्लाइस। अब कई बार क्वेश्चन आया है फर्रो वाल किसे कहते हैं, तो फर्रो कहाँ बनी थी, ये इम्प्लीमेंट चलने के बाद यहाँ बनी थी, तो जो ये शेयर चलने के बाद ये साथ साथ ज़मीन का हिस्सा जो टाइट रह जाता है इसको क्या बोलते हैं, फर्रो वाल बोलते हैं हम, जो अनडिस्टर्ब सोयल का सरफेस होता है। नेक्स्ट आता है क्राउन, जो जनरली यूज होती है, क्राउन किसे कहेंगे, जो हमने इस साइड गया इम्प्लीमेंट तो ये सोयल का मास डल दिया, इस साइड गया तो ये गया, तो ये टोटल सरफेस जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, क्राउन कहेंगे। ये अगर इसको एक टर्म में समझा जाए तो टॉप पोर्शन ऑफ टर्न्ड फर्रो इज नोन एज क्राउन। इसी के साथ मैं आशा करूँगा कि आपको टिलेज टॉपिक के जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हुई होंगी। आगे हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।